प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से किस तरीके से अजमेर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है उसका हमने जायजा लिया है और उनकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड की दिखा रहे हैं। रोडवेज कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के साथ साथ एक जो आपको साइड की स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसमें पटरियों के ऊपर आदर्श नगर थाने इलाके की ये पटरियां हैं रेल की जिसके ऊपर रोडवेज कर्मी बैठे हैं और इन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उनकी जो जायज मांगे हैं उनको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, ये तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके साथ साथ अब आपको हम जो दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो आप देखिए कि रोडवेज जो बस स्टैंड है अजमेर का वो किस तरीके से छावनी के तौर पर तब्दील हो गया है। ये पुलिस का एक जाप्ता है जो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से पूरा जो रोडवेज बस स्टैंड है वो हम आपको अंदर से दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। और कल देर रात ही यहाँ पर जो रोडवेज कर्मी थे जो आंदोलन यहाँ पर चला रहे थे अपना पिछले 17 दिनों से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दूसरी पुलिस की गाड़ी आप देख लीजिए। यहाँ से अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि अंदर के इस वक्त किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, कैसे यहाँ पर राजस्थान पुलिस के जवान मौजूद हैं। और देर रात को ही कल इस पूरे रोडवेज बस स्टैंड को चारों तरफ से घेर लिया गया था, यानी कोई भी रोडवेज कर्मी यहाँ पर नहीं है, इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, सामने की पूरी तस्वीर आप देख लीजिए। यानी कि रोडवेज बस स्टैंड अजमेर के दो गेट हैं और दोनों गेटों के ऊपर पुलिस ने अपनी नाकेबंदी एक तौर पर कर रखी है, यानी कि किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। साफ तौर से जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे रोडवेज कर्मी वो भी यहाँ पर नहीं है, उन सबको यहाँ से उठा लिया गया है, यानी कि एक तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक हमने आपको जो रोडवेज बस स्टैंड का जो पहला गेट था वो हमने तस्वीर दिखाई कि वहाँ पर पुलिसकर्मी किस तरीके से मौजूद थे। ये आपको दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं और इन लोगों को साफ तौर पर ये आदेश दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी अगर कर्मचारी इस तरीके से दिखाई देता है तो उसकी सूचना दी जाए, उसे यहाँ पर गिरफ्तार किया जाए। ये वो जगह है जहाँ पर रोडवेज कर्मी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी मौजूद नहीं है। केवल एक लाल झंडा आपको दिखाई दे रहा होगा सामने की तस्वीर पर, उसके अलावा आंदोलन का कोई भी नामो निशान इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बाद में एक तीसरा जो रोडवेज बस स्टैंड का एक आखिरी जो गेट है जहाँ से दाखिल हुआ जा सकता है वो वहाँ की हम स्थिति आपको दिखा देते हैं कि वहाँ पर इस वक्त किस तरीके से पुलिस का पहरा है। ये दूसरी हमने तस्वीर दिखाई, एक हम बिल्कुल आपको एक तस्वीर आखिरी और दिखाएंगे कि रोडवेज किस तरीके से सुरक्षा बलों के घेरे में मौजूद हैं। यानी कि राजस्थान पुलिस के जवानों ने, राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने देर रात को ही रोडवेज बस स्टैंड को चारों तरफ से घेर लिया था, घेराबंदी कर दी थी। उस घेराबंदी के साथ जो तीसरी तस्वीर यहाँ पे तीसरा एक तरीके से हम यूँ कहें कि घेरा जो पुलिस का है वो हम तीसरा घेरा आपको दिखाने जा रहे हैं। सामने की तरफ मैं आपको मेरा सहयोगी साथी से कहूँगा वो इस तरफ से आपको लेकर इस तरफ से वो तस्वीर दिखाए। सामने की तरफ आपको गाड़ी पुलिस की नज़र आ रही होगी, ये पुलिस की गाड़ी सामने की तरफ, यानी कि ये वो गेट दूसरा गेट है रोडवे बस स्टैंड अजमेर का जहाँ से दाखिल हुआ जा सकता है, उसको भी राजस्थान पुलिस ने घेर लिया है। देर शाम को ही घेराबंदी ये कर दी थी और तमाम लगभग यहाँ पर 80 के लगभग पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी घेराबंदी के अंदर राजस्थान रोडवे बस स्टैंड अजमेर है, यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं। ये वो गेट है, अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो जाप्ता यहाँ पर आया है उसकी बस, ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यानी कि ये वो गेट है दूसरा जहाँ से दाखिल हुआ जा सकता है, दो गेट हमने आपको दिखा दिए हैं और देर शाम को ही। और उसके साथ साथ दोबारा वो आपको साइड स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिस तस्वीर के अंदर आदर्श नगर रेलवे स्टेशन की जो पटरी थी उस पटरी के ऊपर रोडवेज कर्मी जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो तस्वीरें भी आपको साइड की जो स्क्रीन है उसके ऊपर दिखाई दे रही होगी। और आप अंदाजा इस बात से और लगा लीजिए कि पर्वतपुरा बाईपास से अस्सी रोडवेज कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि पीएम मोदी का भाषण अभी शुरू नहीं हुआ है और पीएम मोदी जयपुर से रवाना हो चुके हैं, ये सूचना इस वक्त हमें मिल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि 80 रोडवेज कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त अजमेर का रोडवेज बस स्टैंड राजस्थान पुलिस के घेरे में है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।